सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आरबी क्लासेस। टुडे आई टॉक अबाउट ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 10। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आज हम पढ़ेंगे आपका ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8, त्रिकोणमिति का परिचय। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप यहाँ पर बोर्ड पर देख सकते हैं, लिखा भी है। तो यार चलिए बिना किसी तरीके हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम अभ्यास भी डाल देते हैं, ठीक है। अभ्यास 8.1, ठीक है, अभ्यास भी डल चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपको, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखा गया है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, एबी बराबर 24 सेंटीमीटर है, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है, आपको तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। निम्नलिखित मतलब यहाँ पर 1 में साइन है कॉस है का मान, साइन सी कॉस सी का मान। ये बिल्कुल वैसा सवाल है जैसा सवाल मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में दिया था, बताया था, सेम टू सेम उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। चलिए हल करते हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। सबसे पहले आपको एक त्रिभुज ड्रॉ करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके जरिए हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक त्रिभुज, तो ये आपका बन गया समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब यहाँ पर जो एंगल बी था उसको आप 90 डिग्री बनाइए, यानी कि एंगल बी को आप 90 डिग्री बनाइए, ठीक है। यहाँ पर आप ये रखिए, यहाँ पर आप सी रखिए, यानी कि ए बी और सी, ये बन गया आपका त्रिभुज जिसमें हमने तीन मान ले लिया ए बी सी, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी बन गया, वो भी समकोण त्रिभुज है क्योंकि इसका बी जो 90 डिग्री का है, समझ में आया। देन यहाँ पर हमें करना क्या है, ए बी का मान 24 सेंटीमीटर, तो ए बी यहाँ पर हो गया 24 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी का मान 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो गया आपका बी सी इक्वल 7 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको उसमें पहले बताया था कि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर पहले एक भुजा का मान ज्ञात करेंगे। जब तक आपकी उस त्रिभुज का तीनों भुजा नहीं पता रहेगा तब तक आप किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात का मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि साइन ए और कॉस ए का मान और साइन से कॉस सी का मान ज्ञात करना है, तो हमें पहले इन त्रिभुज का, ठीक है, जो त्रिभुज दिया गया है इसका तीनों भुजाओं को ज्ञात करना पड़ेगा। तो हमने आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दिया गया है ए का स्क्वायर बराबर में देखिए एल का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर और प्लस में एक स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49 और प्लस में हो जाएगा 576, ठीक है। यहाँ पे सॉरी के बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे के बराबर 49 और 576 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 625, क्या आएगा 625। अब ये जो के स्क्वायर था यानी स्क्वायर इधर आ गया तो आपका रूट में हो गया, ये भी मैंने बताया था, पर यहाँ पर के का मान आ गया आपका 25 सेंटीमीटर, यानी कि आपकी जो तीसरी भुजा कर्ण होगी वो होगी 25 सेंटीमीटर की, ठीक है। चलिए ज्ञात हो चुका ना। चलिए अब हम लोग ज्ञात करेंगे साइन ए और कॉस ए का मान, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हमने एक चीज और बताया था, लाल बटा कक्का, ठीक है। अब ये जो लाल बटा कक्का है ये आपको जब भी आप किसी भी पेज में क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो ये आप ऊपर जरूर लिखना, ये बहुत ही मदद देता है, मदद करता है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल, ठीक है, लिखेंगे हल, लिखेंगे हल, लिखने के बाद हल करेंगे साइन ए बराबर, साइन ए बराबर। अब जब आप इस एंगल पर रहोगे, यहाँ पर लिख लेते हैं पहले लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ठीक है। अब आप यहाँ से देखिए, इस एंगल से देखिए, जब आप इस एंगल से देखोगे तो आपका लंब 7 सेंटीमीटर है और कर्ण 25 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 7/25, ठीक है, ये पहला मान हो गया। अब आप लिखे कॉस सी बराबर, कॉस ए बराबर, सॉरी सी का नाम ही अभी कॉस ए बराबर, तो इसका मान होता है लंब बटा सॉरी आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बाई के, ठीक है। यहाँ पर देखिए जब आप इस कॉस में देखेंगे तो इसी एंगल से आपको फिर से देखना पड़ेगा, तो इसका जो आधार है वो है 24 और कर्ण है 25, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 24/25, ये हो गए आपके दो मान, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है साइन सी और कॉस सी का मान। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब आपको दो एंगल यानी कि आपको कहा जाए दो एंगल से आपको अनुपात का मान ज्ञात करना है तो हमें दो त्रिभुज ड्रॉ करना पड़ेगा, ये वाला यानी कि जब हमें ये का ज्ञात करना पड़ेगा तो हम ये को इधर रखेंगे, जब हमें सी का ज्ञात करना पड़ेगा तब सी को इधर रखेंगे। तो यहाँ पर एक त्रिभुज और ड्रॉ करते हैं, तो गाइस यहाँ पर मैंने त्रिभुज ड्रॉ करा। अब यहाँ पर देखिए ये एंगल जो आपका बी था वो बी ही रहेगा, समकोण रहेगा। अब यहाँ पर ए जो था यहाँ पर सी कर दीजिए, यहाँ पे जो सी था वहाँ पर ये कर दीजिए। अब हमें मान ज्ञात करना, मान भी लिख लेते हैं, ए बी आपका था 24 सेंटीमीटर तो ए बी यहाँ पर पहुंच गया 24 सेंटीमीटर, बी सी आपका था 5 सेंटीमीटर तो बी सी हो गया आपका 5 सेंटीमीटर और ये आपका था 25 सेंटीमीटर का, ठीक है, ये चीज हो गई। अब यहाँ पर देखिए हम लोग मान लिखते हैं साइन सी बराबर, साइन सी बराबर, फिर भी यहाँ पर वही चीज लिखेंगे एल बाई के लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर जब एंगल आप सी पर खड़े होकर देखोगे तो लंब आपका हो जाएगा 24, तो यहाँ पर लिखेंगे ऊपर 24 बाई कर्ण क्या है आपका 25, तो ये हो जाएगा 24/25, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे कॉस सी का मान, कॉस सी बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो आधार यहाँ पर कॉस सी का मान जब देखोगे तो कॉस इस एंगल से देखोगे, एंगल सी से देखोगे, जब सी से देखोगे तो यहाँ पर देखिए आधार इसका 5 सेंटीमीटर है और कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5, सॉरी दोस्तों ये 5 नहीं था, ये 7 था, ठीक है, ये 7 था, गलती हो गया, ओके। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कितना, ये आपका आधार कितना है 7 सेंटीमीटर का, तो 7 लिखते हैं।
और यहाँ पर टॉस यानी कि कर्ण, कर्ण का मान कितना है 25, तो यहाँ पर लिखते हैं 25, तो बराबर भी बीच में लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर साइन ए का मान बराबर है कॉस सी के और कॉस ए का मान बराबर है साइन सी के, यानी कि दोनों आपस में क्या है इक्वल है, ठीक है, यानी कि उल्टे पुलटे हैं थोड़ा इक्वल नहीं। तो दोस्तों तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल तो पसंद आया होगा और साथ ही साथ मजा भी आया होगा करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। सो स्टूडेंट्स आपके अभ्यास 8.1 का सेकंड सवाल देखिए, लिखा गया है चित्र में, यानी चित्र से tan p - cot r का मान ज्ञात कीजिए। आपके सामने एक चित्र बनाया गया है जिसमें यहाँ पर एंगल q जो है वो 90 डिग्री का है, देन यहाँ पर आपका जो लंब है वो 12 सेंटीमीटर का है, फिर आपका कर्ण है वो 13 सेंटीमीटर का है, और यहाँ पर आपका आधार नहीं दिया गया। आपको हमेशा समकोण त्रिभुज ही मिलेगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के 6 अनुपात और समकोण त्रिभुज आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पर हम वही चीज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा ए का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। तो के का स्क्वायर, के का मान दिया 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यहाँ पे एल का मान दिया गया 12 का स्क्वायर और प्लस में एल का स्क्वायर। देखिए इसका मान हो जाएगा 169 बराबर में हो जाएगा 144 प्लस में हो जाएगा ए है भाई एल का स्क्वायर, ठीक है। देखिए 144 इधर है प्लस में, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, यानी कि 169 माइनस में हो जाएगा 144 इक्वल हो जाएगा एल का स्क्वायर, यानी इसमें से जब इतना हम लोग माइनस करेंगे तो ये चीज आएगा आपका 25 बराबर में एल स्क्वायर। अब ये 25 एल स्क्वायर के इक्वल है, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में 25 बराबर में एल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एल बराबर में लिख देंगे 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर इसका मान आ गया आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये चीज आपको मिल चुकी है, तीसरी भुजा भी मिल चुकी है। अब हम ज्ञात कर सकते हैं tan p माइनस में cot r का मान। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल tan p माइनस में cot r, ठीक है। अब देखिए tan p का मान जब ज्ञात करेंगे तो हम यहाँ पर इस एंगल से देखेंगे, यहाँ पर हम लोग लाल बटा कक्का भी लिख लेते हैं, लाल बटा कक्का, ठीक है। यहाँ पर sin, cos और ये होता है tan। तो देखिए हम क्या करेंगे, tan p से देखेंगे, क्या देखेंगे, tan p से, सॉरी एंगल p से देखेंगे। तो इस एंगल से जब आप देखोगे, ठीक है, तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। मैं आपको एक ही त्रिभुज में बताऊंगा क्योंकि हमने आपको दो क्वेश्चन दो त्रिभुज बनाकर बता दिया। अब आप ये ट्राई कीजिए कि एक ही त्रिभुज में आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर इस एंगल में जब आप खड़े हो गए तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो हमें tan p बराबर चाहिए क्या, तो tan बराबर होता है लंब बटा आधार, तो यहाँ पर लिखेंगे l बाई ए, ठीक है, माइनस में cot का क्या होता है a बाई l, ठीक है, ये हो गया आपका a बाई l। तो देखिए जब tan p पर इस एंगल पर खड़े हुआ तो यहाँ पर l का मान, लंब कौन सा हो जाएगा 5 और आधार कौन सा हो जाएगा 12, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5 बटा 12 माइनस। अब हम ज्ञात करेंगे cot r का मान, तो cot r यानी कि इस एंगल पर आप खड़े हुए तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, ठीक है। तो cot बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब, तो आधार है 5 और लंब है क्या 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 बटा 12। तो देखिए ये तो 5 बटा 12 यहाँ पर भी है, 5 बटा 12 यहाँ पर भी है, दोनों हम लोग काट देंगे और इसका आंसर आपका आ जाएगा 0, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। मतलब देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा था बट बहुत ही नॉर्मल है। तो यार इस वीडियो में ओनली 2 क्वेश्चंस, अगली वाली वीडियो में हम लोग हल करेंगे और भी इसके आगे जो भी है, देखते रहिए।